क्या देखा आपने? 10,000 रुपये का फाइन। अगर आपने पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये का फाइन लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूँ तेज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा कि यू मे बी फाइंड 10,000 रुपीज़ इफ़ योर पैन कार्ड इज़ नॉट लिंक विद आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। इसकी डेडलाइन 31 मार्च की है। पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर की थी। तो काफ़ी लोग हैं जो जिन्होंने नहीं अपना लिंक करवाया था पैन कार्ड को आधार कार्ड से, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेट बढ़ा दी है। तो अब 31 मार्च की डेडलाइन है इसकी। तो दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते 31 मार्च पहले, तो आप 1 अप्रैल से अपना आधार कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने आधार कार्ड 31 मार्च तक लिंक नहीं करवाया अगर आपने भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया 31 मार्च से पहले, तो आपका 1 अप्रैल को पैन कार्ड आपका जो है इनकॉर्पोरेटिव हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो किसी यूज़ का नहीं रहेगा दोस्तों। और अगर आप उस पैन कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 10,000 रुपये फ़ाइन लग सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते आप पैन कार्ड के बिना। आप बैंक में से अपनी मनी विदड्रॉ नहीं करवा पाएंगे, प्रॉपर्टी सेल वगैरह नहीं कर पाएंगे, बाय नहीं कर पाएंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो, अपना अकाउंट नहीं ओपन नहीं करवा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो एज सून एज पॉसिबल 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन वो पैन कार्ड कैसे आधार कार्ड से लिंक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो लाइव दिखाने के लिए मेरे को आपको लेके जाना पड़ेगा हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर, और तो मैं आपको ले आया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा। मैं फ़िलहाल ब्राउज़र से ये ही आपको लिंक करके दिखाऊँगा, और आप चाहें तो किसी भी कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं उससे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा www.incometaxindiaefiling.government.in। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ जाकर भी आप सीधा उस लिंक पर जाकर इस साइट पर आ सकते हैं। तो इसको नीचे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार का। तो देखिए, ये पैन नंबर मांग रहा है और आधार कार्ड नंबर मांग रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर भर देते हैं। उसके बाद आधार नंबर, और ये कह रहे हैं कि नेम एज पर आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आपके आधार कार्ड पर कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपके ईयर ऑफ बर्थ ही मेंशन होता है, तो अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ ही सिर्फ मेंशन है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। फ़िलहाल मेरा ये पूरी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर है, मैंने अपडेट करवाया था, तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। तो आपको एग्री करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये कैप्चा मांग रहे हैं आपसे पूछ, तो आप यहाँ पर कैप्चा भर दीजिए। तो आप अगर कैप्चा नहीं भरना चाहते तो आप OTP भी अपने मोबाइल नंबर पर मंगवा सकते हैं, जो कि आधार कार्ड से लिंक होता है, उस पर ही आपका OTP आएगा। तो मैं यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करता हूँ।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर। तो क्योंकि मैंने तो पहले ही 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लिया था, तो यहाँ पर ये आप स्टेटस बता दिया कि आपका पहले ही आधार कार्ड से लिंक है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है पैन कार्ड से लिंक करने की। तो दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आप SMS द्वारा भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। जनरली आपको क्या करना है, आपको मैसेज इनबॉक्स में जाना है और न्यू मैसेज में जाना है और यहाँ पर एक आपको नंबर लिखना है 567678। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, UID पैन, और इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। तो जिस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उससे आप इसको सेंड कर दीजिए, तो आगे की प्रोसेसिंग आपको पता लग जाएगी। तो अगर आपके पास दोस्तों मोबाइल ही नहीं है कोई, या तो फिर आप किसी के कोई आपके नोन में हो, आप उससे भी आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं पैन कार्ड से। और अगर आपको इतना वो नहीं लेना तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस CSE सेंटर में जाएं या फिर पैन कार्ड ऑफिस में जाएं, वहाँ पर भी आपका इजीली पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी बात की परेशानी हो, कुछ भी करने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।